आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने मार्च के लिए 21.50 लाख टन चीनी का कोटा जारी किया है। व्यापारियों के अनुसार उम्मीद से कम कोटा जारी करने के साथ ही मार्च में त्योहारी मांग बढ़ने से चीनी की मौजूदा कीमतों में हल्की तेजी बनने के आसार हैं। दिल्ली में एम ग्रेड चीनी के दाम सोमवार को 3660 से 3820 रुपए और उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव 3610 से 3770 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर बने रहे थे। उधर मुंबई नाका में एम ग्रेड चीनी के दाम 3300 से 3470 रुपए, चेन्नई में 3450 से 3490 रुपए प्रति क्विंटल पर थे। केंद्र सरकार ने पिछले साल मार्च 2021 के लिए 21 लाख टन का कोटा जारी किया था। हालांकि मार्च 2022 के लिए कोटा बढ़कर जारी किया है, लेकिन पिछले साल लॉकडाउन के कारण चीनी की खपत कम हुई थी, जबकि कोरोना के मामलों में कमी आने के कारण राज्य सरकारों ने काफी हद तक पाबंदियों में छूट दे रखी है, जिसके कारण मार्च में चीनी की खपत बढ़ने का अनुमान है। वैसे भी सरकार ने फरवरी के कोटे की बची हुई चीनी बेचने के लिए मिलों को एक्सटेंशन नहीं दिया है। माना जा रहा है कि फरवरी के अधिकतर कोटे की चीनी मिलें पहले ही बेच चुकी हैं। जानकारों के अनुसार मार्च में चीनी में बड़ी खपत कंपनियों की मांग निकलने से भाव में सुधार आ सकता है, साथ ही होली की मांग भी निकलेगी। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों ने मार्च के चीनी सौदे 30 से 40 रुपए बढ़ाकर बोलना शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।